था वो मेरा जो YouTube का जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ। और ये डाइन जो लिविंग एरिया। सो गाइस, मेरा 900 सब्सक्राइबर से 12,000 सब्सक्राइबर मैंने कंप्लीट किया। ये 300 का स्क्वायर फीट का जो फ्लैट है यहाँ में बैठ के आज मेरा लास्ट वीडियो है यहाँ से, क्योंकि मैं शिफ्ट करने वाला हूँ मेरा जो नया घर है वहां पे। सो अगर मैं मेरे बारे में कुछ बोलूँ, बहुत जन को पता ही नहीं है मेरे बारे में। सो मैं कोलकाता से हूँ, और अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरा 30 ईयर्स मैंने एक ही कमरे में एडजस्ट किया मेरे पेरेंट्स के साथ, उसके बाद 2015 में ये वाला जो फ्लैट है छोटा सा 300 स्क्वायर फीट का, इसको लिया था मेरे पापा, और कुछ लीगल इशू के लिए 3-4 साल हम लोग को नहीं मिला था। फिर जाके सॉल्व होने के बाद ये फ्लैट मुझे मिला। बट इन बिटवीन 2020 में मैंने YouTube स्टार्ट किया था, मेरा जो पुराना वाला 2013 का पिक्चर है, जब मेरा फर्स्ट नौकरी हुआ था कोई एक कंपनी में, तो उस टाइम का है। मेरा मम्मी पापा और ये मेरा घर जहाँ पे मैं बड़ा हुआ। 30 ईयर्स ये घर पे मैंने बिताया, मेरा लाइफ का बेस्ट मोमेंट जो 30 ईयर्स का, मैंने जो जो सीखा ये घर से सीखा। सो यहाँ पे तो अभी थोड़ा चेंजेस हुआ है, ये टाइल्स वाइल्स का काम हुआ है। ये मंदिर है छोटा सा, एक ही घर में हम लोग एडजस्ट करते थे, तो ये बेड पे मैं सोता था। जब मेरा 27 ईयर्स एज हुआ तब जाके यहाँ पे एक डिवाइन लिया गया, जो अभी मेरा वो छोटा सा फ्लैट में है, तो वहाँ पे मैं सोते थे 27, 28 एंड 20। 3 साल मैंने यहाँ पे सोया, ये जगह पे था वो। और चलिए दिखाता हूँ मेरा जो यूट्यूब का जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ। सो ये रूम है, मतलब ये किचन एरिया, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया मेरा यूट्यूब का जर्नी। यहाँ पे मैं बैठ के वीडियो बनाते थे, ये बैकग्राउंड होता था मेरा। और कभी कभी ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो रोप है, मतलब ये जो रस्सी के ऊपर एक ग्रीन कलर का एक चादर बिछा के मैं वीडियो शूट करते थे। और यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे भी कभी कभी ये जो माँ का जो साड़ी है ये पूरा देख के यहाँ पे बैठ के मैं वीडियो बनाते थे। तो ये छोटा सा घर किचन ही है ये बेसिकली। तो यहाँ पे मैं मेरा यूट्यूब का जो जर्नी है ऑलमोस्ट 10 मंथ्स 9 मंथ्स मैं यहाँ से वीडियो शूट, मैं ये घर पे शिफ्ट हुआ और मैंने मेरा जो कंटेंट है उसको ट्राई किया और ग्रेजुअली ठीक करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। सो आज 2 साल में बहुत कुछ मैंने सीखा ये छोटा सा घर में बैठ के। और मेरा यूट्यूब का जो जर्नी है उसको 900 सब्सक्राइबर से 12,000 सब्सक्राइबर में लेके गया ये छोटा सा घर में बैठ के। सो कभी कभी लगता है कि आप लोगों का जो सपोर्ट है वो अगर नहीं होते तो इतना मोटिवेशन तो मुझे नहीं मिलते। ग्रेजुअली इंक्रीज किया चैनल, मेरा नॉलेज बढ़ता गया और भी मैं गैदर कर रहा हूँ नॉलेज, जितना हो सके आप लोग को शेयर करता हूँ। सो आज मैं खुद के दम पे 33 ईयर्स ओल्ड मैं 35 लाख का एक फ्लैट लिया जो कोलकाता में ही है। मैं टूर कराऊंगा आज वो फ्लैट का। सो आप लोग मुझे कमेंट में मेंशन करना कैसा लगा मेरा नया फ्लैट। और एक बार मैं ये जो छोटा सा फ्लैट है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ये वाला फ्लैट एक बार टूर करवा देता हूँ आप लोग को। सो ये वो खिड़की है जहाँ में मैं सारा लैब टेस्ट करवाया यहाँ पे रख के। और ये एक छोटा सा अलमीरा है, ये थोड़ा मेरा परफ्यूम का कलेक्शन है। और ये मेरा मम्मी पापा है, यहाँ पे भी बहुत परफ्यूम का बहुत शौक है मुझे, ठीक है। और यहाँ तो ये देखिए क्या हालत है। सो ये मेरा एक सिंगल बेड, हालत देखो सब शिफ्टिंग हो रहा है इसलिए ऐसा हालत में पड़ा हुआ है। और ये छोटा सा 10x10 का एक रूम। और यहाँ पे देखिए ये फ्रिज, सारा सामान किचन में पड़ा हुआ है। सो ये छोटा सा मेरा फैमिली था जहाँ पे मैं 2 साल ग्रो किया खुद को है। कभी कभी मुझे अच्छा लगता था यहाँ पे आने में। सो ये पूरा मिला के ये 300 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा सिंगल BHK फ्लैट जहाँ पे मैं रहते थे इतना दिन। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ ये मेरा नया फ्लैट है जहाँ पे मैंने खरीदा, तो उसका रूफटॉप में मैं अभी खड़ा हूँ। और चलिए अभी मैं आप लोग को एक बार टूर करके दिखाता हूँ मेरा जो नया फ्लैट है, कैसे मैंने सजाया, कैसे क्या किया। तो आप लोग कमेंट पे मेंशन कीजिएगा कैसा लगा आपको नया फ्लैट।
तो ये है मेरा बैल्कनी, देख पा रहे हो रोड के ऊपर है एकदम से। ये मेन रोड है जहाँ से कनेक्ट होता है रोड, ये बैल्कनी है। और ये है मेरा एक बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम है और इसके साथ एक टॉयलेट जो है वो अटैच है। अभी घर खाली है क्योंकि फर्नीचर अभी तक नहीं आया ये घर में, तो आ जाएगा। ईस्ट है और ये साउथ पोजीशन है जहाँ पे मैंने फर्नीचर बना दिया। धूप बहुत आते है देखिए, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ साइड है। सही, और एक टॉयलेट है। और ये डाइनिंग का पोजीशन है, देखिए अभी तक सेटअप नहीं हुआ फिर भी काम चल रहा है। और ये नॉर्थ साइड है और इस तरफ है आपका बैठने का जगह जो लिविंग एरिया, देख पा रहे हो मेरा मम्मी चाय पी रहे सुबह। यहाँ पे सेटअप नहीं हुआ, यहाँ पे होगा शोकेस वोकेस, ऐसे मैंने सिर्फ रखा ये चीज़ को। देखिए सी एक पाइप पिट का खिड़की और ये है आपका साउथ। ये है किचन, तो चलिए स्टार्ट करते एक नया जगह से, नया प्रोटीन मसल ब्लेज वेट प्रोटीन का लैब टेस्ट और रिव्यू, और देख लेते क्या रिजल्ट आते हैं। ठीक है चलिए। आज जो प्रोटीन मैं यूज़ कर रहा था वो था मसल ब्लेज का फ्यूएल वन 1 kg का मैंगो फ्लेवर, और वो ख़त्म हो गया जिसके बाद मैंने ये प्रोटीन को ऑर्डर किया जो है मसल ब्लेज का वे प्रोटीन, और ये आपका रिच चॉकलेट फ्लेवर में है। मैंने इसको क्यों ऑर्डर किया, इसका रीज़न क्या था, बेसिकली मुझे चाहिए था आइसोलेट प्रोटीन और ये एक ब्लेंड प्रोटीन है जिसमें आइसोलेट प्राइमरी है और ज़्यादा इसमें डाला गया आइसोलेट प्रोटीन, और कंसनट्रेट सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी सोर्स है प्रोटीन का वो है कंसनट्रेट। बट मुझे उतना मैटर नहीं कर रहा था, अगर कंसनट्रेट भी होता तो चलता, बट बजट में ये बैठ गया तो मैंने इसको परचेस कर लिया। अभी इसमें मुझे क्या क्या मिल रहा है वो मैं एक बार आप लोग को बोल देता हूँ। बेसिकली इसमें मुझे पर सर्विंग 33 ग्राम्स का सर्विंग है, जिनमें आपको मिलेगा 25 ग्राम्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट 3.3 ग्राम्स, फैट जो है 1.14 ग्राम्स, और इसमें आपको एमाइनो एसिड जो प्रोफाइल है वो मैं आपको बोल देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एमाइनो एसिड का जो डिटेल्स है वो तो यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया, सिंगल मतलब एक एक करके मेंशन कर दिया, और यहाँ पे क्या क्या एमाइनो एसिड है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ आप लोग देखिए। बट इसमें आपको टोटल पर सर्विंग क्या मिल रहा है, 5.5 ग्राम्स का बी सी डबल ए मिल रहा है, 11.7 ग्राम्स का ई डबल एस मिल रहा है, 4.3 ग्राम्स का ग्लूटामिक एसिड आपको दिया जा रहा है। इसमें 5 डाइजेस्टिव एंजाइम ऐड किया गया जिसका नाम है आपका प्रोटेस, एमिलेस, लैक्टेस, सेलुलेस और लिपेस। ठीक है, सारा जो डिटेल्स है ना वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं मसल ब्लेज, ये सबसे बढ़िया है, मतलब ट्रांसपेरेंसी का एकदम बेस्ट पार्ट, मुझे ये बेस्ट पार्ट लगते हैं मसल ब्लेज का कि एकदम जो जो चीज़ है वो क्लियर कर देते हैं। बस ये 2 kg का जा रहे हैं और इसका जो MRP है 6669, मतलब 6669 रुपीज़। मैंने जब परचेस किया था अराउंड 5400 के आसपास कुछ पड़ा था अमेजन मसल ब्लेज का जो वेबसाइट है वहाँ से। कंपनी के बारे में अगर बात करूँ तो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो सेफियंस लैब। मेरा ईच एंड एवरी मसल ब्लेज का वीडियो में मैं मेंशन करता हूँ, फिर भी एक बार बोल रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को पता रहे कि सेफियंस लैब इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मार्केटिंग करता है ब्राइट लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड। हेल्थ कार्ड का एप्लीकेशन जो है वो ब्राइट केयर का है, मसल ब्लेज का मार्केटिंग कौन करता है, तो ब्राइट केयर हर तरफ है। तो हेल्थ कार्ड से अगर कोई प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो
बेफिक्र रहिए, आपको जेन्युइन ही आएगा। बेसिकली बहुत ही सिंपल है, इसका जो कंटेंट लिस्ट है बहुत ही सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। बट एक चीज़ आप लोग को बोल देता हूँ कि अगर आप लोग सचमुच सीरियस हो बॉडी बिल्डिंग को लेके, तो अच्छा प्रोटीन ढूंढ रहे हो तो गो फॉर दिस। मुझे मसल ब्लेस अभी सबसे बेहतरीन लगता है, क्योंकि मेरे पास रिव्यू के लिए बहुत सारा प्रोडक्ट है, मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट को परचेस किया, तो कुछ कुछ टाइम मैंने मसल ब्लेस का प्रोडक्ट को स्टॉप कर दिया करके, जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया उसको मैंने यूज़ किया। यूज़ करने के बाद मैंने जो रिजल्ट देखा उसमें मसल ब्लेस हर जगह से बीट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब रिजल्ट, डाइजेशन, आपका रिकवरी, उसके बाद आपका प्रोटीन का टेस्ट, ये सारा जो चीज़ है इसमें मसल ब्लेस बीट कर रहे हैं। मुझे सच में बोल रहा हूँ, जितना दिन एक कंपनी अच्छा काम करता है उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इंडिया में अच्छा प्रोटीन बनाने वाला बहुत कम है, फेक ज़्यादा रहता है। सो आप लोग को बोल रहे हो कि सपोर्ट कीजिए मसल ब्लेस को, मेरे तरफ से तो सपोर्ट ही सपोर्ट है, ठीक है। और आप लोग ट्राई कीजिए कि अच्छा पैसे जब दे रहे हो तो अच्छा प्रोटीन लो, ठीक है। तो चलिए इसका टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका क्वालिटी और क्वांटिटी क्या आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मसल ब्लेस का वे प्रोटीन का लैब टेस्ट विद मसल ब्लेस प्रो चेक किट। और जहाँ से मैं आज टेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरा नया फ्लैट है, और फर्स्ट जो प्रोडक्ट मैं टेस्ट कर रहा हूँ फ्लैट से, वो है मसल ब्लेस का वे प्रोटीन का। तो यहाँ पे है मेरा 200 ml पानी, और ये है जो प्रो चेक किट, तो ये है उसका सल्यूशन। प्रोसेस सेम ही है, सिर्फ लोकेशन चेंज हो गया, बाकी सारा कुछ सेम है। और हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को लेना है 1 tablespoon वे प्रोटीन, क्योंकि जब हम लोग इससे टेस्ट कर रहे हैं सो मैटर नहीं करते है कि स्कूप का एक्यूरेसी क्या है। सो हम लोग को देखना है कि प्रोटीन पर 100 grams में क्या मिल रहा है। सो ये हो गया 1 tablespoon जो मैं दे रहा हूँ 200 ml पानी का। ये प्रोसेस में मेरा जो लास्ट जहाँ से मैं शूट करते थे वहाँ पे खड़ा होकर करना पड़ता था, तो अभी जो विंडो का जो लेंथ है ये बहुत बड़ा है, मतलब 5 feet का विंडो है, तो जिसलिए मैं अभी बैठ के प्रोसेस कर रहा हूँ, आराम लग रहा है मुझे। 30 seconds मैंने शेक कर लिया और एक थिक शेक बना है, और इसको मैं छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा फोम जनरेट हुआ है एकदम नीचे, थोड़ा सा। 35 ml सोल्यूशन जो है उसको डालना है हम लोग को। अभी 10 ml जो वे प्रोटीन है मसल ब्लेस का जो वे प्रोटीन है उसको डालना है ये किट के अंदर, ठीक है। तो चलिए 10 ml डालते हैं। अभी का जो टाइम है 4:07 2nd December, और ये जो किट है इसको मैं 10 seconds के लिए शेक करता हूँ, और ट्यूब को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया एक दिन के लिए। मिल्क चॉकलेट का फ्लेवर कैसा है देखते हैं। ठीक ठाक। सो अभी का जो टाइम है 4:55 PM 3rd December सैटरडे, और यहाँ पे आपका मसल ब्लेस वे प्रोटीन का जो रिजल्ट है प्रो चेक किट में वो आ गया है, और रिजल्ट है आपका 11। सो ये आराम से पास कर गया, एवर 85% आ गया। सो चलिए टेस्ट करते हैं इसका इन्वर्शन की क्वालिटी कैसा है, ठीक है। 3, 2, 1। सो क्वालिटी में भी ये आपका पास कर गया। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ओवरऑल मैंने दिखाया मेरा फ्लैट का पूरा टूर कैसा लगा वो भी कमेंट में मेंशन कीजिए, मुझे बहुत अच्छा रहेगा।